रामगोपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या सीधे रुख करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये सवाल आप हमेशा करते हैं, मैं ये आपसे ही सवाल कर, सुनिए आप ही नहीं और लोग भी करते और फिर करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से ही कि क्या मध्य प्रदेश में सेकुलर फोर्सेस की के मतों का विभाजन हुआ और बीजेपी जीती? क्या राजस्थान में हुआ विभाजन, बीजेपी जीती? क्या छत्तीसगढ़ में विभाजन हुआ, कोई और पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस और बीजेपी? तो अगर ये विभाजन की वजह से जीत हार होती तो हम 2012 में यहाँ क्यों जीते, जब समाज जब जो सेकुलर फोर्सेस हैं उन्हीं के बीच में लड़ाई थी? ये कोई न तर्क है न इसके आधार कोई है, इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि हम कोई वोट सेकुलर फोर्सेस को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए या उसकी वजह से कोई बात होती हो। अगर ये होता तो दूसरी जगह भी ये होना चाहिए था, फिर तो कहीं बीजेपी को जीतना ही नहीं चाहिए था जहां दूसरी ताकतें नहीं है। ये स्पेकुलेशन तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने पहले ही वहां जाने की हाँ कर दी थी, अनुमति पहले स्वीकृति दे दी थी, इस वजह से वो आ गए थे। जनता परिवार कब एक हो पाया है? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये आप लोग तय करिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हु एम आई टू रिप्लाई अबाउट इट? नहीं, पार्टी ने इस पर न कोई आकलन किया न आकलन करना चाहती। कमाल भाई, मैंने शुरू में ही जब ये मामला चला था तो बाकायदा प्रेस करके ये कहा था कि तमाम तकनीकी ऐसी बातें हैं जिसके चलते ये संभव नहीं है जिसकी बात की जा रही, और अगर ऐसा होता है और होने के बाद फिर अलग होते हैं जो होता रहा है, तो हम ना अपना नाम कायम रख सकते हैं पार्टी का और न दोबारा वो चुनाव चिन्ह हमें मिल सकता है। चाहे सारी पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाती, और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता न हमारे पास चिन्ह रहता। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता, इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं, कहां परिवार एक हो रहा था। प्रधानमंत्री से मिलने में डील हो जाती? नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री से कल हमारे मुख्यमंत्री से रोज बीजेपी के और बीएसपी के लोग मिलते हैं तो क्या डील हो जाती? अमित शाह से मैं नहीं मिला, यादव सिंह की हमें क्या डर है? हमें क्या डर है यादव सिंह का? अगर कोई गड़बड़ किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यादव सिंह किनके नजदीकी अधिकारी रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मामला चल रहा था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में के कार्य करने में अड़ंगे डाले जा रहे थे, अगर ये नौबत आएगी तो हम अंततोगत्वा राष्ट्रपति से भी हम मिल चुके थे, प्रधानमंत्री से ही मिले, और प्रधानमंत्री से जरूरत पड़ेगी तो फिर मिलेंगे, और प्रधानमंत्री से जरूरत पड़ेगी जब भी पड़ेगी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, चाहे पैसे की बात हो चाहे प्रशासनिक दिक्कतों की बात हो, तब मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, प्रदेश का तो प्रधानमंत्री है, उससे मिलना कोई पाप है क्या? दिक्कतें आप सब जानते हैं रोजाना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, ये हमारे अध्यक्ष हैं बिहार के, ये लिस्ट तैयार करके लाएंगे तब आपको देंगे पूरी। ये रामचंद्र यादव, बहुत धन्यवाद आप। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार में समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, जनता परिवार से समाजवादी पार्टी यहां अलग हो गई। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़े कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए डेथ वारंट था और इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएं इस मत में कोई नहीं था। साफ तौर पर यहाँ पर 5 सीटें जो ऑफर की गई थी उससे नाराज समाजवादी पार्टी। खबरें इस तरह की मीडिया में इससे पहले भी चल रही थी कि पार्टी खुश नहीं है 5 सीटें दिए जाने को लेकर और इस बात पर आगे कुछ हो सकता है। तो यहाँ अब तस्वीर साफ होते हुए समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में वो चुनाव अकेले लड़ेगी और साथ ही जनता परिवार के गठबंधन से, या ये कहें जो महागठबंधन जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी, उससे पार्टी अलग हो गई है। आज आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया क्योंकि ये आप सबको उत्सुकता थी और स्वाभाविक भी है कि समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और बिहार के बारे में कोई अंतिम निर्णय लेने का फैसला हो सकता है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें से 2 लोग बाहर थे, आजम साहब बाहर हैं और किरणमय नंदा जी बाहर हैं, से सभी लोग यहाँ थे। बिहार पार्टी के अध्यक्ष एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में थे और उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में भी एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में उस बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित थे। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। कुछ सीटों की भी घोषणा की जाने वाली थी उसको अभी रोक दिया गया है क्योंकि जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे हमारी पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ के नेता आपस में विचार विमर्श करके लिस्ट फाइनल करके लाएंगे, उसको एक साथ जारी करेंगे। अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे और खास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से
अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने। बात फंसी है 5 सीटों पर, लेकिन सुनिए 29 तारीख को लालू प्रसाद यादव जब सामने आए तो उन्होंने रैली में क्या कुछ कहा था। समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने कभी भी मांग नहीं किया था कि हम लोग को दे दीजिए सीट, लेकिन हमने उचित समझा, हम लोगों ने उचित समझा कि हमारा सीट नेताजी का सीट, सब सीट, सब देश का भी सीट, दो सवाल रखते, फिर भी एक प्रेजेंस के लिए हम लोगों ने हम ये घोषणा करते हैं कि 60-40 देने के बाद 3 सीट जो बचा तो 3 तो अपने सीट से हम एक सर से 5 सीट समाजवादी पार्टी को चुनाव में उनके उम्मीदवारों को लड़ने के लिए हम लोगों ने सीट अलॉट कर दिया है। तो जनता परिवार का महागठबंधन और इस महागठबंधन का एक अहम अंग समाजवादी पार्टी आज अलग हो गई, जिसका ऐलान खुद रामगोपाल यादव ने मीडिया के सामने आकर किया।